तेज आंधी का कहर, गरीब लोगों के आसियाने टूटे, दतिया जिले के अंतर्गत आने वाले अनुवाग सेवड़ा अंतर्गत ग्राम भोबई में प्रकृति की मार और भ्रष्टाचार हावी, गरीबों को कैसे मिले प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीणों का आरोप, कमीशन दो और आवास लो, जिसकी शिकायत मंगलवार के दिन ग्रामीणों ने जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर को की, जिस पर सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई क्या हुई पता नहीं। ग्रामीणों की माने तो ग्राम में प्रवेश करने का मार्ग बदहाल है, जिस पर सचिव सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ना आंगनबाड़ी सुविधा, ना पंचायत, ना सोसाइटी, सारी सुविधाओं से दूर है भोबई के ग्रामीण। ग्रामीणों ने SRB से की सहयोग की अपील, कहा शासन नींद में है, आप जगा दो, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें। ग्रामीणों की माने तो अभी भी ग्रामीण आदिकाल में जी रहे हैं और अब उन्हें अंधकार में रहना पड़ेगा, कब तक पता नहीं, क्योंकि ग्रामवासियों का विश्वास जिला प्रशासन से उठता चला जा रहा है। ग्रामीण भ्रष्टाचार की चपेट में आकर सभी शासकीय योजनाओं से दूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वो पात्र हैं, लेकिन उन्हें कोई शासकीय लाभ नहीं दिया जा रहा। ये सवाल ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से किए। आपका क्या नाम है? आपका विश्राम सिंह था। अच्छा, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा ये पेड़ गिर गया है, वो कच्चे मकान थे, वो सब उड़ गए, उड़ी गए यहाँ पे, पूरी चद्दर फूट गई है। अच्छा, इनका ये रखी थी उसी में गैस सिलेंडर। अच्छा, ये एक मिनट, इनके पहले कच्चे मकान देख लें, ये देखो सारे कच्चे मकान इनके नष्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये इनका आम का फरा हुआ पेड़ा भी था, ये भी नहीं बचा, अब रहने के लिए इनके पास जगह भी नहीं है अभी। ये देखिए इनका कितना नुकसान हुआ है, ये देखिए सब सामान इनका इसमें दब गया है। ओहो, देखिए लगभग आपका कितने का नुकसान हुआ है? लगभग हमारा 20-30 हज़ार का, 20-30 हज़ार का इनका नुकसान हुआ है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अकेले कमाने वाले हैं, और दूसरी बात एक कैंसर पेशेंट हैं, और इन दूसरी बात विकलांग भी हैं, अब ये कैसे करेंगे अपना गुजारा? ये देखिए इनका बहुत नुकसान हुआ है, क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अच्छा, कितने का हुआ होगा लगभग नुकसान आपका? 15-20 हज़ार का। अच्छा, ये नुकसान है, और भी नुकसान है आपका? अंदर है। अच्छा, अंदर भी है, चलिए मुझे दिखाइए एक बार। ये देखिए इनका पशुओं के लिए घर बना था, वो भी नष्ट हो चुका है, और इनके सामने पेड़ कछवाई थी, पेड़े भी टूट चुके हैं इनके। ये देखिए चद्दर, यहाँ सोने के लिए जगह थी, चद्दर भी इनके उड़ के चले गए हैं। ये देखिए इसमें रहने के लिए इन्होंने चद्दर छा रखे थे, एक भी चद्दर नहीं बचे हैं इनके, सब टूट गए हैं, कोई उड़ गए। ये देखिए अब इनके पास भी रहने के लिए यही हालत पूरे ग्रामवासियों की, कम से कम 40% ग्रामवासियों की यही हालत है। जब हमने बगल में के 3 घरों में यह हालत देखी तो भारी नुकसान हुआ है, तो सोचिए पूरे ग्राम में क्या हालत यही होगी। ये देखिए फरे हुए पेड़े थे, घर के ऊपर गिर गए, अब खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं है इनके पास। ये देखिए घर की हालत, आवास की इन लोगों को ज़रूरत थी या उन लोगों को ज़रूरत थी जिनके पास 40-40 बीघा मकी ज़मीन है और हवेली बनी है, उनको आवास निकाल के दे रहे हैं हमारे श्रीमान सरपंच जी और सेक्रेटरी जी। ये देखिए घर की हालत, ऐसे ही कम से कम 40% लोग यहाँ पे हैं जिनकी यही हालत है, और 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है और फिर भी उनको आवास पे आवास निकाल के दे रहे हैं, यह है हालत। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह चौहान। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? भोस उड़ गया, तख्ता उड़ गया पूरे। अच्छा, भोस उड़ गया, तख्ता उड़ गया, पशु घर गिर गया जी, चपरा बना हुआ तो कच्चो गिर गया, जहाँ में भूत भरे थे, सब सामान बहते हैं, सब भरे बहाने आधे। अच्छा, अब हम आए हैं श्याम सिंह के घर, इनके ही पड़ोसी हैं जो अभी हमने नींव लिए। ये देखिए पशुओं के लिए भूस था, वो भी इनका सब उड़ गया और भींज गया। ये देखिए इनका टीन तख्ता पड़ती थी वो भी चली गई। ये देखिए इनके बाहर टीन की चा वो थी,
तो टीन भी उड़ गए इनके सारे। ये देखिए पशुओं का, आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? तो ये देखिए, अच्छा आपका कितने का नुकसान हुआ होगा? 20,000 रुपए का तो भूस भरा हुआ था, खरीद के भूस भैंस के लाने धरे थे सब उड़ गया पूरा आंधी। अच्छा 20,000 का इनका भूस उड़ गया, ये पेड़े वगैरह भी इनके टूट गए, इनके तख्ता चले गए। यही हर घर में यही हालत है, भूकंप ने बहुत नुकसान किया है। ये देखिए हर जगह तबाही मच गई इस भूकंप से। भिजवा दो माता कुछ गए। यही लोग आवास के लिए कलेक्टर के पास गए थे। ये देखिए घर के बाहर यही लोग आवास के लिए कलेक्टर के पास विज्ञापन देने गए थे। देखिए इनकी हालत, इनको आवास मिलना चाहिए हकीकत में, और लेकिन हमारे सरपंच सेक्रेटरी इनको आवास देने का मन ही नहीं कर रहे हैं। आवास उन्हें दे रहे हैं जिनके पास 20-20 बीघा ज़मीन है और पक्के मकान हैं, आवास के हकदार यही हैं। ये देखिए यह देखिए इस भैंस के चोट आई है, पेड़ गिर गया इसके ऊपर, ये इनके किसान है। अच्छा इस ग्राम इस मोहल्ले के लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अच्छा क्या अच्छा क्या क्या आप असुविधा हो रही है आप लोगों को? नहीं असुविधा है, कड़वे को गल ना रही, जब रोड है तेज से खराब डरी है, लाइट की पूरी लाइट ही चली गई, लाइन ही चली गई पूरी। अच्छा सरपंच सेक्रेटरी काम नहीं करा रहे हैं क्या? रोड नहीं, सेक्रेटरी तो कह रहे हैं, सरपंच सेक्रेटरी कह रहे हैं पटवारी को फोन करो, सेक्रेटरी आते ही नहीं है, सेक्रेटरी को पता ही ना रहा, सेक्रेटरी आते ही नहीं है। अच्छा सेक्रेटरी यहाँ पे आते ही नहीं है? अच्छा आप लोगों की अभी जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए सेक्रेटरी आए नहीं है यहाँ पे? आए नहीं, अब आम है तो बाद की बात है। अच्छा अच्छा, और आप करते थे वो यहाँ है, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर रह रहा हम, तो जहाँ अब आए हैं हमको पता ही नहीं है तो कुछ। अच्छा आपकी क्या दिक्कत है? कार्ड हमारे कुछ नहीं बने, कुछ कागज ही नहीं बनाए। अच्छा सिर में कार्ड, जॉब कार्ड भी आप बाहर से आए हुए हो? नहीं हाँ। अच्छा आपका कोई जॉब कार्ड नहीं बना है? अच्छा आपकी क्या परेशानी है? अच्छा जी कितने का नुकसान है आपका? 3 उड़ गई, 3 उड़ गई आपकी, भूस का भूस खराब हो गया, भैंस के चोट आ गई, पेड़ गिर गया। अच्छा चलो ठीक है, हमने ग्राम वासियों से बात की है, उनका भारी नुकसान है। ये देखिए ग्राम वासियों की लाइट की केबल लेवल, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और कई ग्रामवासियों निकल रहे हैं, लाइट का कितना बड़ा खतरा है, और यहाँ ना कोई बिजली विभाग ना कोई सुनवाई हो रही है, यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा है। ये देखिए इनका भी भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए खुलेआम खुलेआम केबल ज़मीन पे पड़ी हैं, ऐसी हालत पूरे ग्राम में है, पूरे ग्राम में ही केबल टूटी पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए ग्रामवासियों के घर के अंदर आए हैं, ये देखिए इसमें रोटी वगैरह बनती थी, कमरा था, टीन छपा हुआ था, सारे टीन इनके उड़ गए हैं, सारा सामान इनका खराब हो गया। अच्छा अम्मा जी आपका कितना नुकसान हुआ है लगभग? अच्छा ये देखिए इनका नुकसान, अम्मा जी आपका कितना नुकसान हुआ है लगभग? 20,000 को तो होएगा, उस गृहस्थी भींज गई। अच्छा कुछ नहीं रहा। अच्छा नाम क्या है आपका? मीरा। अच्छा मीरा ठीक है जी। ये देखिए इनका नुकसान, भारी नुकसान हुआ है। ये पशुओं के लिए कच्चा मकान बना था, ये भी इनका फूट गया है, इस भूकंप ने भारी नुकसान किया है। ये देखिए इनका भूस भी खराब हुआ है पशुओं के लिए। ग्राम भोबई तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश। ये देखिए किसानों का कल के भूकंप में नुकसान। ये देखिए पशुओं के लिए खाने के लिए भूस भी नहीं बचा है, और ये अनाज भी और इनका आटा भी नुकसान हो रखा है इसमें, इसी में आटा रखते थे, इसी में गेहूँ, अब कहाँ रखेंगे ये? ये छत सब उड़ चुकी है, इनकी चद्दर की छत थी। आपका नाम क्या है आपका? रणजीत सिंह तोमर। अच्छा कहाँ से? भोबई बुजुर्ग।
जिला दतिया मध्य प्रदेश। आपका कितने का नुकसान हुआ है? लगभग करीबन 20-25 हज़ार का नुकसान है। अच्छा, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ? गल्ला पानी जो भी था, खाने पीने का और पशुओं के लिए चादर वगैरह ऊपर लगे वो सब चले ही गए। अच्छा। आज के जमाने में 1,000 का एक चादर पड़ रहा है, करीबन 12-14 चादर चले गए। अच्छा जी, चलो वो भी है। और भी आपकी पेड़ वगैरह आपके ही है? ये नींबू का पेड़ था, वो जामुन का था। अच्छा, भरा था पूरा, चला गया जामुन, भरी थी पूरी चली गई। बहुत भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे किसानों का। अच्छा, आपका ये इसके अलावा और कहाँ नुकसान हुआ है? और वो पालंग की साइड में जो खाना पीना बनाते थे उसमें वो सब। चलो चलो एक बार मुझे दिखाइए, ये देखिए, यहीं रणवीर सिंह तोमर के घर पे ही आया हूँ मैं। ये देखिए, ओहो, इनका बहुत नुकसान हो रखा है, घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची है। इसमें सामान क्या क्या दब गया आपका? गैस सिलेंडर वगैरह जो खाना बना होते थे। अच्छा, सब सामान दब वगैरह, उसमें सब पूरे बेड फेड सोने के लिए, बेड भी यहाँ पे, बक्सा भी इनका, गैस सिलेंडर, मतलब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने आज फर्सी पे रात काटी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये देखिए, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये इनकी घर की हालत है, कुछ भी नहीं बचा है।